परिवेश में रहता हूँ और इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से बिजनेस को अभी भी सीख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सीख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मिनिमम कितना मिलता है बताया दरअसल में 2,10,000। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 2,10,000 जो बोला था परफेक्ट बोला, मिनिमम उतना तो कमाना चाहिए था बराबर ना, परफेक्ट बोला मैडम आपने। तो वही सोच गया था कि 2,10,000 छोड़ो साइड में, अगर महीने का साइड बाई साइड पीना ना स्टार्टिंग में 10 साल पहले 21,000 भी आएगा ना, 1-0 निकाल देता हूँ तो भी यार घर का बहुत सारा छोटा मोटा खर्चा बाहर निकल जाएगा, बराबर ना। तो ऐसे सोच लेके आया था। और बाय प्रोफेशन अगर बताऊं तो एजुकेशन भी अच्छा है, ग्रेजुएशन किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्लीट किया। और जिस साल ये इंडस्ट्री में आया था 2013 की बात है, अगस्त 2013 में, उससे पहले महीने की तनख्वाह हुआ करती थी 50,000 से अपो, नेट इनकम 48,000 सैलरी आती थी 5 तारीख को एचडीएफसी बैंक। कितने तारीख को? अच्छा, वाइफ मिसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो सेड में काम कर रही है, उनकी भी तनख्वाह उस वक्त की अगर 30,000 काउंट करो, 50 और 30 कितने होते हैं 80,000। 10 साल पहले अगर एक कपल की सैलरी आ रही है जिनके बच्चे छोटे हैं स्कूल में जा रहे, तो अच्छा खासा लाइफ चलता रहेगा। हेलो, अच्छा आप जरा बात करेंगे चलेगा ना, अच्छा 80,000 में अच्छा खासा रहेगा ना सर। 10 साल पहले की बात करो भाई, अभी 80,000 में कुछ हो रहा है क्या? हेलो, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 रहेगी, 25,000 रहेगी, हेलो 50,000 हो सकती है। कोई ऐसा स्मार्ट बंदा भी यहाँ पर आकर आज बैठा रहेगा जिसकी तनख्वाह वो महीने की 1,00,000 रुपए लेता रहेगा क्वालिफिकेशन की वजह से, एक्सपीरियंस से। लेकिन बात ये नहीं है सर आप कमा रहे हो कितना आज महीने का, उसमें से हम साइड में बचा कितने रहे। हेलो, आज खर्च भी बढ़ रहे, महंगाई बढ़ी है, बचा कितने रहे? देखो जितना हम साइड में बचाते हैं और जहां पे उसको इन्वेस्ट करते हैं ना, वहीं से हमारे आने वाली जिंदगी में परिवर्तन था। यस और नो? बराबर ना। तो मैं यही सोचा था अगर 50,000 में कमा रहा, वाइफ 30 कमा रही, बच्चा में छोटे है, कल बड़े हो जाएंगे खर्चा ज्यादा होगा तो और एक एडिशनल इनकम की जरूरत है। ये सोच लेके जब प्रेजेंटेशन पहली बार जब मैंने देखा था ना, 3 चीजों पर मैंने गौर दिया था, बताऊं आपसे शेयर करूं? Yes. अच्छा, सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, इंपॉर्टेंट क्या है दोनों में से, पैसा इंपॉर्टेंट है या अपनी स्वास्थ्य आरोग्य हेल्थ इंपॉर्टेंट है क्या? Yes. अच्छा, बाकी लोगों ने क्या बोला, दोनों इंपॉर्टेंट है। हेलो, बराबर है, आज के तारीख में दोनों चाहिए। लेकिन मुझे पता है जिंदगी के तीन फुट में नौकरी कर रहा था, पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन लॉकडाउन में जब कोविड चाचा आया ना, तभी उन्होंने हमें सिखाया भाई, हेलो पैसे के पीछे नहीं भागना है, अपने हेल्थ के पीछे पहले भाग। हेलो, सबको सिखाया। अच्छा आपको एक अच्छी बात बताता हूं, इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था, मैं 13 साल अकाउंट्स का काम कर रहा था, लैपटॉप के सामने बैठ बैठ के काम कर करके ना, 13 साल मेरी पूरी गर्दन जो पीठ है ये सुबह बहुत दर्द करती थी, और काम कर करके ऐसा चश्मा लगा। कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल। अभी आप मुझे बताइए इंडस्ट्री में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जबरदस्त ताली बजी थी प्रोडक्ट के प्रमोशन के वक्त, क्या नाम है, 95 ना, उस वक्त तो जस्ट लॉन्च हुआ था, वो रिजल्ट भी नहीं हमने देखा था, लेकिन एक विश्वास रखा अगर यहाँ से हेल्थ अच्छी हो सकती है तो उस प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पहले सबसे यूजर बन गया, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, उसमें 95 मैंने लिया, उसको 4-6 महीना मैंने उसको लिया सुबह शाम, उसके बाद उसको बंद करके 4 महीने तक मैंने अपना जो स्पर्लिनोवर कैप्सूल बताया आपको, हेलो सुपर फूड, एक टाइम का खाना, वो भी नहीं लगा 4 महीना, ऐसे मैंने 1 साल तक उस पूरे प्रोडक्ट का प्रोसेस किया, और साथ में बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी किया डेली डिटॉक्सिंग। और इसका नतीजा ये हुआ, इतने 13 साल मेहनत करने के बाद नौकरी में जो पीठ दर्द होती थी, हर सुबह मैं मेरे वाइफ को बोलता था पेट से बाहर आने से पहले थोड़ा पेट को दबा लेना, दर्द होता था। लेकिन सिर्फ 7 से 8 महीने की स्टोरी में बता रहा हूं, 12-13 साल नौकरी करने के बाद जो दर्द मिला था ना, यहाँ पे सिर्फ 8 महीने मेरे जिंदगी भर के लिए पूरा दबा है। अगर अच्छी हेल्थ रखनी है तो इस प्रोडक्ट को मुझे आने वाले समय तक जिंदगी भर इसको इस्तेमाल करना है। और तब से लेके आज तक 4 महीने 95 पीता हूं, उसके बाद 4 महीने स्पिरुला गोल्ड पीता हूं। इसलिए आपको सामने अभी फरवरी में 50 साल पूरे हो रहे हैं, लगने लगे 50 साल का ये बंदा, क्योंकि स्पिरुला गोल्ड और 95 एंटीऑक्सीडेंट के साथ में एक एंटी एजिंग का भी काम करते हैं, आपको यंग रखता है जिंदगी भर। कितने लोग चाहते हैं? बढ़िया सर,
से अभिषेक जिसके साथ आया उसको बोला मुझे सबसे पहले 95 देना, अगर 95 खरीदने के लिए बैलेंस नहीं है कोई बात नहीं, स्पिरुला बोल से स्टार्ट करना, कर सकते हैं? हेलो, दिन में खुद के लिए अगर एक वड़ा पाव खाएंगे तो 20 रुपए कम से कम लगता है अच्छी तारीख में। हेलो भाई, स्पिरुला बोल का खर्चा तो उतना ही है, इससे भी कम हो सकता है, इनका कैलकुलेट करेंगे। एक वड़ा पाव क्या मिलता है, खाली अपना पेट भरता है, लेकिन स्पिरुला बोल अगर डेली खाएंगे ना तो हेल्थ भी अच्छा होगा और जिंदगी भर पैसा भी आता रहेगा। अच्छा, अभी बात करते हैं, हम कॉमन पीपल से यहाँ पे भी करोड़पति को बैठा दिया ना भाई, है क्या? नहीं ना, हम लोग सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हेलो, यस और नो? अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 25-30 कितने लोग महीने का, आज महीने का यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो नौकरी के माध्यम से हर महीने 30,000 रुपए एक्स्ट्रा साइड में सेविंग कर रहे हैं। हाथ ऊपर करिए, नौकरी से, नौकरी से मैडम, नौकरी से 30,000 रुपए कमा रही है। मैं बोला क्या बचा है? हेलो, सेविंग बचा है, साइड में निकल रहे है कोई भाई यहाँ पर? अभी आपको सवाल आ रहा है 30,000 क्यों बोला इस इंसान ने, बता दो उसके पीछे। आज हर एक इंसान अपने परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, सपने तो दूर है ना। मैं भी फिर ऐसा नौकरी करते करते मैंने ये महसूस किया, यहाँ से नौकरी के माध्यम से सिर्फ मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, सपने नहीं। अगर मुझे सपनों को हकीकत में पूरा करना है तो मुझे फास्ट अर्निंग करनी पड़ेगी, एक एडिशनल इनकम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। हेलो, क्या आप लोगों के सपने हैं? सबके कॉमन सपने मैं बताऊंगा। हर एक इंसान चाहता है आज जिस मैं घर में रहता हूँ उससे थोड़ा बड़ा मेरा घर होना चाहिए, सुन लो। अगर आज मैं बस से, बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे भी एक खुद की छोटी सी कार होनी चाहिए, सुन लो। अगर मेरे बच्चे हैं, 2-2.5 बच्चे हैं तो उनके लिए एजुकेशन के लिए अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना चाहिए, सुन लो। और हर एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ चाहता है कि जिंदगी में कम से कम एक बार मैं मेरे परिवार के साथ में एक विदेश यात्रा यानी फैमिली टूर करके आओ, ये सुन लो। क्या लोग चाहते हो? अरे भैया, आप ही की जैसे तो मेरे सपने हुआ करते थे और इस इंडस्ट्री के माध्यम से ऐसे ऐसे सपने पूरे होते गए। और आज सच्ची बता तो जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं एंटी से, वो उनका हर महीने की इनकम लाखों से ज्यादा है। मैं ये चाहता हूँ 10 साल पहले जब भी बस ट्रेन से आपकी जैसे ट्रैवल करता था, आज खुशी बहुत हो रही है, नीचे 16 लाख की होंडा सिटी कार है। और सबसे अच्छी बात है, फरवरी में अगले साल में 50 साल का हो रहा हूं और व्हाइट कलर की 50 लाख की मर्सिडीज बेच कर आ रही है। हेलो भाई, लाइफ में अगर मेरे ट्रांसपोर्ट पूरे कर रहा है तो मैं गारंटी बोलता हूँ, जो भी इंसान यहाँ पे पहली बार आया ना, अगर डिसीजन लेता है और आने वाले 3-5 साल अगर सिस्टम से मेहनत करता है ना, तो खानदान का सबसे पहला करोड़पति बनकर स्टेज पर आ सकता है। मुझे 100% विश्वास है अपने आप परिवार को एक अच्छी लाइफ चला देना चाहते हो, जो भी आपके अधूरे सपने अपने मम्मी पापा के उनको हकीकत में यहाँ से पूरा करना चाहते हो, हर एक इंसान चाहता है लेकिन उसको लाइफ में वो मौका नहीं मिलता है। आज आपके सामने एक मौका है, आप मुझे बताइए जो नौकरी कर रहे हैं वहां से ज्यादा मजबूत हो रहा है? हेलो हेलो, नहीं ना। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जहां पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, करना क्या भाई, इतने सालों से कर रहे वही तो करना है ना, खुद के लिए शॉपिंग, वैसे भी सुबह उठने के बाद जाते हैं ना। हेलो, अरे हर महीने अपने वाइफ के साथ में या मम्मी के साथ में बिग बाजार, डीमार्ट या लोकल बनिया में जाके शॉपिंग करते हैं ना। अरे वही कुछ 1,000 का सामान खरीदने की वजह से, वापरने के बाद अच्छा लगने की वजह से, लोगों को बताने की वजह से, और जो लोग हमारे साथ आएंगे उनके साथ आने वाले 3-5 साल सिस्टम से मेहनत करने की वजह से अगर जिंदगी में 360 डिग्री परिवर्तन हो सकता है तो हर एक इंसान को इंडस्ट्री में आना चाहिए। सुनो बराबर, और इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बकलकर मैडम उनका एग्जाम्पल आपने देखा, यहाँ पे सिर्फ पैसे नहीं पैसा आता है, पैसा जिंदगी के साथ भी आता है और जिंदगी के बाद भी आता है। दोस्तों लेकिन सर आपको सवाल करना चाहूंगा, आप चाहे डॉक्टर हो बाय प्रोफेशन, लॉयर हो, इंजीनियर हो,
या गवर्नमेंट पुलिस अधिकारी हो, जिस दिन उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाएगी, क्या उसके बाद उसकी डिग्री, उसकी सर्टिफिकेट या उसकी पोस्ट डेजिग्नेशन, क्या उसको नॉमिनी को कुछ फायदा होता है? हेलो हेलो, नहीं ना सर जी। एक चीज बताइए, अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस की कल को डेथ होती है तो अगले महीने उसके पत्नी को कमिश्नर बनाया जाता है? भाई कोई भी प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना जबरदस्त सिक्योरिटी अभी देखा। अगर आज मैं घर नहीं भी पहुंचा ना, तो हर बुधवार को, बुधवार चार आते महीने में और एक महीने का बोनस आता है, ऐसे जिंदगी भर कम से कम महीने में 5 बार लगातार पैसा आता रहेगा। ये खाता देखिए, आप लोग सामान हो या कुछ का सामान हो दोस्तों। विश ऑल द सक्सेस। जय जय महाराज।